हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे ये बटरफ्लाई का डिजाइन। इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। डिजाइन बनाने के लिए कपड़े की मैंने कटिंग कर ली है। दो कलर का कपड़ा लिया है, ये कपड़े के दो पीस है, एक वाइट कलर है और एक डार्क कलर लेंगे। ये पीसेस मेजरमेंट में है 5 इंच और यहाँ से भी 5 इंच है, दो पीस है। ये 3 पीस है और ये भी 3 पीस है, सेम साइज के हैं। तो ये पीस है 3 इंच यहाँ से और यहाँ से भी 3 इंच है, 3 पीस हैं। और ये भी 3 इंच है, यहाँ से भी 3 इंच है, 3x3 के 3 पीसेस। और ये 2 पीसेस हैं, ये 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच, 2.5x2.5 इंच के 2 पीस। तो अब इन पीसेस को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले ये पीस रेडी करेंगे, इनको इस तरह से रखना है, हाफ ट्रायंगल बनाएंगे इनके। इस तरह रखने के बाद यहाँ से मार्किंग कर लेनी है और यहाँ से जितना सिलाई के लिए रखते हैं उतना रख के यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इस साइड में भी इसी तरह मार्किंग कर लेनी है। ये पीस बन गया है। अब यहाँ पर साइडों में जो लाइन है यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद ये 3 पीस है, इनको भी रेडी करना है, इसके भी हमें हाफ ट्रायंगल बनाने हैं। तो पीसेस इस तरह से रख लेने हैं, ये इसके ऊपर रखेंगे, ये भी मार्किंग इसी तरह करनी है, इसके भी हाफ ट्रायंगल बनेंगे। यहाँ से ऐसे कर लेना है और यहाँ से ये लाइन लगाएंगे और इस साइड में भी इतना ही स्पेस छोड़ के लाइन लगानी है। तो सिलाई करेंगे यहाँ पर, इस तरह से रख लेंगे। सारे पीसेस सिल दिए हैं, इनको अलग कर लेना है। सेंटर की लाइन है, यहां से कट कर लेंगे। ये पीसेस भी इसी तरह कट करेंगे, सेंटर का जो लाइन है ये कट कर लेंगे। अब यहां पर प्रेस कर लेनी है, ये पीस है, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और ऐसे टर्न करेंगे। सारे पीस इसी तरह प्रेस कर लेने हैं। प्रेस करने के बाद ये कॉर्नर्स है, इनको हमें कट कर देना है। ये कॉर्नर है, इनको कट कर लेंगे, बाकी भी इसी तरह कट करके रेडी करेंगे पीसेस। सारे पीसेस बनके रेडी हो गए हैं, सारे हाफ ट्रायंगल बन गए हैं और ये भी 2 पीस हैं। इन पीसेस को हम ज्वाइन करेंगे। ये पीस इस तरह से रखेंगे और ये दूसरा पीस है इस तरह से रखना है, तो ये हमारा वी शेप में ऐसे आ जाएगा। इसके बाद ये प्लेन पीस है 2, ये यहाँ पर आ जाएंगे और ये हाफ ट्रायंगल है, ये यहाँ पर ऐसे लगेगा और ये भी इसी तरह लगेगा, यहाँ से ऐसे शेप आ जाएगी इसकी। इसके बाद ये पीस इस तरह से लगेगा और ये दूसरा पीस है, ये भी इसी तरह लगेगा, यहाँ से भी बन जाएगी। और ये पीस यहाँ पर इस तरह से लगेगा, ये इस तरह शेप आ गई है। और ये लास्ट पीस इस तरह से लगेगा। सारे पीसेस लग गए हैं, अब इनको सिलना है। तो सबसे पहले ये लाइन है, इसको सिलेंगे। ये 4 पीस है, इनको एक दूसरे के साथ सिलना है, जिस तरह पीस रखे हैं उसी तरह सिलने हैं। उसके बाद ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, इसी तरह पीसेस को सिल देंगे। देखिए तीनों पीस सिल दिए हैं। यहाँ पर प्रेस कर लेनी है, इस तरह से प्रेस करनी है, ये भी इसी तरह प्रेस कर लेंगे। अब देखिए तीनों पीस मैंने प्रेस करके इस तरह रख दिए हैं। अब इन तीनों को ज्वाइन करना है, तो ये पीस यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है ये सेंटर की जो सिलाई है ये एकदम बराबर आनी चाहिए। यहाँ पर दोनों को एकदम बराबर रख के सिलाई लगानी है और ये पीस है ये भी सेंटर का एकदम बराबर आनी चाहिए सिलाई। तो ये पीस इसके साथ जोड़ेंगे और ये पीस इसके साथ सिलेंगे। सारे पीसेस सिल दिए हैं, अब यहाँ पर प्रेस कर लेंगे और इस कपड़े को ऐसे बदलेंगे।
और ये भी इसी तरह प्रेस करनी है। इसके बाद अगर थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमारा आगे पीछे है तो इसे हमें यहाँ पर लाइन लगा के एक्स्ट्रा कट कर लेना है, जैसे यहाँ पर आया है बाकी भी देख के हमें कट कर लेना है जो भी एक्स्ट्रा है। इतना पीस बनने के बाद यहाँ पे चारों ओर एक और पट्टी लगानी है, तो ये स्टेप्स मैंने ली है यहाँ से 2.5 इंच और लंबे में इसके बराबर लेंगे जितना ये है, ये चारों ओर लगानी है। इसके बाद ये चारों कॉर्नर खाली है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का मैं स्ट्रिप्स लगाऊंगी, ये है 2.5 इंच और यहाँ से भी 2.5 इंच है, ये चारों कॉर्नर में लगा देंगे। अब इनको सिलना है तो सबसे पहले ये सेंटर का सिलेंगे, ये इसके साथ स्ट्रिप सिल देंगे और ये इसके साथ सिलेंगे, उसके बाद इस स्ट्रिप्स को रेडी करना है, ये पीस इसके साथ सिलना है और ये इसके साथ सिलना है, इसी तरह ये ऊपर का सिलना है। ये स्ट्रिप सिल दी इसके साथ और ये भी सिल दिए हैं, अब इनको इस पीस के साथ सिलना है और ये यहाँ पर सिल देंगे। अब देखिए सारे पीसेस ये कॉर्नर में आगे हैं और ये डिज़ाइन बटरफ्लाई का इस तरह से बना है। अब यहाँ पर बटरफ्लाई के पैर बना लेंगे, पहले ड्रॉ कर लेना है यहाँ से इस तरह से, इस साइड को भी। यहाँ पर 3 धागे ले लिए हैं मैंने, ऐसे नीडल में डाल लेंगे और यहाँ पे चेन स्टिच देना है, यहाँ से ऐसे कॉर्नर से निकालेंगे नीडल को और यहाँ से चेन स्टिच देते हुए ये जिस तरह ड्रॉ किया है उसी तरह हमें यहाँ पर ये थोड़ा हाथ से सिलाई कर लेनी है। मशीन से भी कर सकते हैं, तो इस तरह चेन स्टिच लेना है और पूरा इसी तरह हमें ये कवर कर देने हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से स्टिचेस लगा दिए हैं, ये हाथ से लगाए हैं, मशीन से भी लगा सकते हैं आप। ये पीस बन के रेडी हो गया है, ये पीस बना है यहाँ से 12.5 इंच बना है और यहाँ से भी 12.5 इंच है, तो इसका हमारा 11x11 का कुशन कवर बन जाएगा। ये एक बेडशीट का ब्लॉक है, बेडशीट बना सकते हैं या टेबल का कवर बना सकते हैं, तो इस तरह के और ब्लॉक हमें बना लेने हैं सेम साइज के, तो जैसे ये भी मैंने बनाया हुआ है इस तरह से हमें यहाँ पर लगा देना है, आगे आगे लगाते जाना है और ये पट्टी यहाँ पर एक ही आएगी। इसके बाद ये पीस लगाएंगे और यहाँ पर स्ट्रिप्स आएगी वाइट कलर की, फिर से यहाँ पर स्ट्रिप्स लगाते जाएंगे और पूरा डिज़ाइन बना के रेडी कर लेना है। तो इस तरह आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा, बनने के बाद बहुत ही सुंदर ये डिज़ाइन लगता है। फ्रेंड्स बटरफ्लाई का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा, डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह के नए वीडियो के साथ।